नर्मदे हर। दोस्तों ये नावड़ा टोड़ी से मैं निकल रहा हूँ और ढालखेड़ा के लिए, जो कि यहाँ से 700 किलोमीटर है और पानी ज़्यादा है। मैं यहाँ में ऐसे बता रहा हूँ, आगे तो रास्ते बंद हैं तो ऐसे रोड के कच्ची रोड के किनारे जाना पड़ेगा। आज 7 बज गए हैं तो थोड़ी देर हो गई, और उसका कारण ये था कि मैं 5 बजे उठा, सो के अकेला ही था और मोबाइल रात में चार्ज पे लगा के दूर था, तो एक ऐसे कैरी बैग में ला के चार्ज पे लगा के लटकाना पड़ता है और सो गया। तो 5 बजे उठा तो फिर तैयार होके नहाने में 5:30 बज गया, फिर करीब 1.25 घंटा पूजा पाठ में ध्यान में लग गया, और ऐसे करके फिर बाबा जी चाय बना रहे थे, बोले चाय पी लो, तो 7 बज गए। अब आज तो मैंने चप्पल पहन ली है, चप्पल आ गई थी कल, तो उसे को पहन के ही चलूँगा जिससे कि फूले में थोड़ा आराम मिले, वो घिसेगा नहीं तो आज हो सकता है सूख जाए। कल फिर से उसमें थोड़ा पानी आ गया था, वो फिर से पंक्चर करके निकाला मैंने और दबाया उसको। तब चलते 7 किलोमीटर है तो बीच में आराम करते हुए वही पहला मेन रेस्ट का पड़ाव रहेगा, और दोपहर का पड़ाव तो उसके बाद में ही कहीं देखा जाएगा, तो बहुत कम स्पीड हो जाएगी। नहीं तो ऐसे ये देखिए आश्रम का बोर्ड लगा हुआ है और ये रोड है, ये देखिए इधर से जाना है। तो वही कहानी, आज फिर मैं डंडा भूल गया और करीब 1.5 किलोमीटर चलने के बाद याद आया तो वापस गया, फिर डंडा उठा के भी वापस आया, तो ऐसे 15-20 मिनट बेकार चले गए। सुबह थोड़ी स्पीड अच्छी होती है तो उतनी अच्छी भी नहीं है, हालांकि क्योंकि पैर सुबह उठते हैं तो भी दर्द ही कर रहे होते हैं और सुबह उठने के बाद भी लंगड़ा के चल रहे होते हैं। और कल से नर्मदे हर, कल से लेफ्ट घुटने में भी थोड़ा थोड़ा दर्द है, तो ठीक है उतना रेस्ट नहीं हो पाता है जितना शायद शरीर को चाहिए, लेकिन आज कम से कम अभी तो चप्पल पहन के चल रहा हूँ तो फफोला इतना हट नहीं करेगा क्योंकि वो रगड़ेगा नहीं जूते से। तो दोस्तों ये रोड पे जरूर चलना पड़ रहा है, लेकिन सुबह का टाइम है और रास्ता अच्छा हरा भरा है, देखिए एक साइड फूल लगे हुए हैं और दूसरी साइड केले की खेती हो रही है, तो एकदम हरा भरा रास्ता है तो अच्छा लग रहा है। इसमें अभी एक बाबा जा रहे थे, बाबा माने बुजुर्ग आदमी थे 60 के आसपास, साइकिल से जा रहे थे, उन्होंने साइकिल रोकी और 10 रुपये का दान किया, बोले महाराज जी आज एकादशी है तो ये दान ग्रहण करो, और पैर छू रहे थे तो पैर तो मैंने नहीं छूने दिए, उम्र में बड़े हैं, बाकी दान ले लिया मैंने। अब दान लेने का एक थंब रूल होता है यहाँ कि आप 100-150 रुपये से ज़्यादा नहीं रख सकते एक साथ, ज़्यादा से ज़्यादा तो ना रखिए, बट आप मना भी मत कीजिए, ज़्यादा के लिए मना करिए, कम के लिए मत करिए, तो क्योंकि कई बार क्या होता है कि ये मैया दान भिजवाती है, क्योंकि आगे कई बार भोजन की व्यवस्था या कुछ नहीं होता है, तो अगर ऐसा होता है कहीं तो मैया पहले से इंतजाम करवाती है कि आप वहाँ जाके उस दान के पैसे से कुछ खरीद के खा सकें। तो अगर ऐसा हुआ और आपने वो दान ठुकरा दिया, मैया का भिजवाया हुआ, तो फिर आपकी गलती है। तो दान लेने में कोई हर्ज नहीं है, हम तपस्या कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन एक लिमिट है उसकी, तो लालच में कोई ज़्यादा देता है तो वो नहीं लेना है, थोड़ा बहुत लेके रख लेना है, लेकिन 100 रुपये से ज़्यादा कोशिश की जाती है कि एक साथ में नहीं हो, क्योंकि उतने में आपका एक वक्त का भोजन आराम से, या कोई चीज़ खरीद के, या जरूरत पड़े तो कहीं से बर्तन लेके पका के खा सकते हैं। चलिए ये 10 रुपये मेरा पहला दान है जो मैंने लिया है,
एक्चुअली दूसरा मान सकते हैं, वो चप्पल का भी दानी था जो दिया उन्होंने, और यही है तपस्या करने निकले हैं तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये देखिए केला की खेती, बड़े बड़े पेड़, और ये रोड बोथू करके लिखा है 1.3 किलोमीटर, ये शायद कोई सा गांव होगा, बट जो रास्ता है बड़ा सुंदर है, एकदम हरा भरा। अगर दिन में भी ऐसा रास्ता मिले तो आपको छांव मिल जाए काफ़ी, तो उतना चलना नहीं अखरता है, लेकिन अधिकतर क्या होता है कि जो रास्ता मिलता है तो उसमें पेड़ पौधे नहीं होते हैं, मतलब पेड़ नहीं होते हैं बड़े, तो बीच बीच में भी छांव नहीं मिलती है, तब चलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, इतनी तेज धूप में बहुत मुश्किल पड़ती है चलने में। नर्मदे यार, रास्ते में राम दरबार है, राम मंदिर गांव में, एकादशी का दिन, तो भगवान के दर्शन करके अब आगे बढ़ा जाएगा। ये देखिए श्री राम मंदिर बोथू, ये 2000 में इसका निर्माण हुआ है। छूट गया है, और ये है, हालांकि ये भी किनारे पे नहीं है, थोड़ा दूरी है, लेकिन ये कच्चा मार्ग है, परिक्रमा मार्ग, और खेतों के बीच एक तरफ कॉटन की फसल है, कपास की, और दूसरी तरफ जो है गन्ना लग रहा है। गन्ना तो इधर पहली बार देखने को मिला है, इसके पहले केला बहुत मिले, पपीता कभी मिले कहीं कहीं, कॉटन ज़्यादा है, कॉटन की खेती बहुत है इधर। हरी मिर्च की भी खेती बहुत होती थी, लेकिन पिछले एक दो दिन से शायद 30-40 किलोमीटर छूट गया, जब से हरी मिर्च की खेती भी देखने को नहीं मिली। अब केला बढ़ गया है, देखिए सामने भी केले की खेती नज़र आएगी। ये कटन है, ये गन्ना है, ये देखिए एक तरफ पपीते की खेती हो रही है और एक तरफ केला की। तो आज एकादशी है, तो मैया ने केला और पपीता के बीच में लाके खड़ा कर दिया फलाहार के लिए। खैर ऐसे करते नहीं है, और हम तो इवन अगरबत्ती बनाने के लिए कॉटन भी चाहिए होगा, कपास के खेत से निकलेंगे तो तोड़ते नहीं है, अगर है कोई किसान है, ज़रूरत है तो मांग लीजिए, वो आपको खुद आके दे देंगे, ज़रूरत से ज़्यादा दे देंगे, उन्हें मना करना पड़ता है, और कई जगह वो खुद ही आवाज़ देते हैं कि बाबा ये चाहिए क्या। तो खैर ये है, खेतों की भी अच्छा लगता है, और दोनों साइड अगर ऐसा रास्ता मिल जाता है तो छांव भी मिलती है, तो ये भी ठीक है, खुले में धूप में थोड़ी परेशानी हो जाती है, चलते ही रहिए ढाल खेड़ा की तरफ। ये देखिए केला, केला का फूल, मुझे नहीं पता कितने लोग ने देखा है, लेकिन मैंने नहीं देखा, काफ़ी बड़ा है, काफ़ी बड़ा फूल होता है केले से, कहीं ज़्यादा बड़ा और कहीं ज़्यादा मोटा। तो ये है केला का फूल। चलिए ये रास्ता है, देखिए ये पीछे से मैं इधर से आ रहा हूँ ढाल खेड़ा की तरफ, और इधर जो है ये रास्ता जाएगा ढाल खेड़ा की ओर। तो दोस्तों मैं करीब आधा से एक किलोमीटर आगे निकल आया हूँ ढाल खेड़ा गांव से, और ये है माँ नर्मदा सेवा कुटीर। हालांकि यहाँ ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन मुझे तो थोड़ा सा केवल विश्राम करना है 10 से 15 मिनट, तो मैं यहीं करूंगा, ये शायद फर्श तो बिछा हुआ है यहाँ पे, और फिर आगे बढ़ा जाएगा।
एक बाबा जी भी बैठे हुए हैं, आप भी परिक्रमा में? यही थोड़ा 10 मिनट विश्राम करेंगे फिर आगे जाया जाएगा। अंदर क्या है एक बार अंदर देख लेते हैं। अंदर ही हॉल है। नर्मदे यार बाबा जी, बाबा जी महंत जी हैं जो सेवा में लगे हुए हैं, सबकी सेवा करते हैं। और ये कुटीर से थोड़ी सी चाय पी के विश्राम करके आगे बढ़ रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे लिखा है बलगांव 3 किलोमीटर। महाराज जी बोल रहे थे तो बलगांव जाते हैं, फिर देखते हैं वहाँ कितने बचता है और आगे का पड़ाव कितनी दूर है। टारगेट रोज की तरह वही है कि 12 के पहले कहीं पहुँचा जाए और थोड़ा सा भोजन और विश्राम किया जाए। आज एकादशी है तो फलाहार देखना पड़ेगा। सब नज़दीक है, दूर मत मानो। अब मैं आगे निकल रहा हूँ खलगांव के लिए, भालेगांव से। और मैं भालेगांव से जब निकला, ये गांव के अंदर से ही रास्ता है, तो हुआ क्या कि एक सज्जन मिले और जो आपने जो घर के अंदर का वो देखा वो उन्हीं का था। तो उन्होंने बोला कि चाय पीते जाइए महाराज और भोजन हो गया। तो वैसे तो भोजन हम लोग दोपहर में करते हैं लेकिन आज तो एकादशी है। तो मैंने बोला कि नहीं, आज तो एकादशी है, देखेंगे दोपहर में कहीं फलाहार मिलेगा तो ठीक, और चाय तो अभी पिए, तो ज़्यादा चाय पीते नहीं है। तो क्षमा मांग के आगे बढ़ा। तो बोले महाराज तो चाय नहीं तो दूध ही ले लीजिए फलाहार में, मान लीजिए। तो फिर मैंने सोचा ठीक है, हो सकता है मैया की इच्छा हो, आगे व्यवस्था नहीं हो। तो मैं उनके यहाँ गया और उन्हें एक सेब और एक गिलास दूध दिया। और इस तरह से आज एकादशी, देवोत्थानी एकादशी का हमारा फलाहार हुआ। अब आगे चलते हैं। ये रास्ता है, कुछ दूर इस पर चल रहा हूँ। तो ये रास्ता है छोटा सा लेकिन पक्का, जिससे मैं जा रहा हूँ। और रास्ते में मुझे छोटा सा मंदिर मिला, धूप काफ़ी है, थक भी काफ़ी गया हूँ। तो मैं यहीं थोड़ा पानी भी था तो पानी पिया, विश्राम करने के लिए बैठ गया। और ये मंदिर है, देखिए भट्ट देव मंदिर अकबरपुरा, ये लिखा हुआ है सन 2022, इसी साल बना है मतलब। तो अब यहाँ से बालाजी आश्रम जो है खलघाट, जहाँ पे मैं जाने की कोशिश कर रहा था कि अगर 12 तक पहुँच जाऊँ तो अच्छा है, 11:30-12, बट 12 तो यहीं बच चुका है। 4 किलोमीटर है तो धूप तेज है, लेकिन अब मैं यहाँ से चलूँगा तो धीरे धीरे। तो दोपहर का भोजन तो आज मिलना लग रहा है कि लगभग लगभग असंभव सा दिख रहा है, बाकी अब देखते हैं क्या होता है, जैसी मैया चाहे। एक केले की खेती हो रही है। नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। और बालाजी आश्रम है यहाँ, नर्मदे हर। तो 1 किलोमीटर के आसपास बता रहे हैं। 1:18 हो चुका है अभी, 4 नवंबर
ग्रुप में हैं तो आप बातें करते जाएंगे इधर उधर की या कुछ ना कुछ, बट अकेले अगर आप चलते हैं तो साधना करने का ज़्यादा मौका मिलता है। रोजाना कुछ ना कुछ अपने आप दिमाग में आता है, कभी माता के भजन बना के टेढ़े वेढ़े बनाते हैं, बट ठीक है बनाता हूँ मैं, वही गाते जाता हूँ। रोजाना जो दिमाग में आएगा एक वही, आज पता नहीं कैसे नर्मदे हर ओम नमो नारायणाय चल रहा है दिमाग में, वही घूम रहा है तो आज वही गा रहे हैं। और पूरे रास्ते से मैं वही गाते गाते आया हूँ, इसीलिए मैं सुनाया था, वीडियो बनाने के लिए नहीं डाला है। और क्या होता है कि अपने आप ही आता है दिमाग में कुछ ना कुछ, माता का भजन की आएगी, लाइन आएगी, टेढ़ी मेढ़ी लाइन आएगी, कुछ भी गाने से मिला के जोड़ के तोड़ के पता नहीं है, बट याद करते रहते हैं जैसे भी है रास्ते भर चलते चलते। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण नर्मदे।